एचएल टीवी न्यूज। टोहाना के सीआईए स्टाफ पुलिस ने देसी शराब से भरी पिकअप गाड़ी सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पिकअप गाड़ी में 100 पेटी अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए ले जाई जा रही थी। वहीं जांच अधिकारी गुरनाम सिंह ने बताया कि देर रात्रि रतिया रोड पर सीआईए स्टाफ के सामने नाका लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक पिकअप गाड़ी शहर से कुल्ला की ओर जा रही थी, जिसे जांच के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय स्पीड बढ़ा दी। तब उन्होंने आरोपी को हिरासत में लेकर गाड़ी को कब्जे में ले लिया तथा पिकअप गाड़ी से शराब की पेटियां उतारकर जांच की गई तो 1200 बोतल शराब मिली। वहीं छापेमार कार्रवाई के तहत आरोपियों को पकड़ा गया तथा रात्रि को आरोपी गांव कालवन निवासी सोनू को 100 पेटी अवैध ठेका शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। ये एसपी साहब के दिशा निर्देश नाकाबंदी की हुई, सीआई स्टाफ टोहाना साहब ने शहर टोहाना की तरफ से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी आई, उसको रुकने का इशारा किया, रुकवाया। ड्राइवर को कब रुकिया नाम पता पूछा, क्रॉसिंग ली तो उससे 100 पेटी शराब बरामद हुई है। 1200 बोतल बरामद है। तो आरोपी को पेश किया जाए न्यायालय में? अभी नहीं, अभी तो उसमें अभी तो तफ्तीश जारी है। टोहाना से हलचल टीवी के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट।